पूरी लग रहा है भाई। लास्ट वीडियो आया था यही कोई 26 अप्रैल को, मैं अभी वही चेक कर रहा था। एंड उसके बाद एक हाउस टूर की वीडियो प्रॉमिस हुई थी, शायद शायद नहीं हुई थी, मतलब मैं तभी ऐसे अपने चैनल पे झूठे वादे करता ही नहीं। मैंने कोई झूठा वादा नहीं किया था, थिंग इज आई गॉट वेरी बिजी विद माय यूनी, देन घर शिफ्ट करना था, उसमें बहुत टाइम लग गया ना। आई एम टेलिंग यू बात कर रहे थे ना, एंड उसके बाद जॉब वगैरह की सेटलमेंट चल रही थी, तो इट टुक मी टाइम ना। नाउ आई एम लाइक ऑल ऊपर से यार घर भी सेट कर रहा हूँ ना, घर सेट करने में तो टाइम ना, आपको अंदर दिखाता हूँ, घर सेट करने में तो टाइम लगता है यार। एंड आएगी हाउस टूर की वीडियो भी जल्दी आएगी, मैं आप तो इसको धक्के मार मार के वीडियो निकाले है, घर निकाल देना। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। टॉपिक ये है कि टॉपिक इज ऑन कार, वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स की गाड़ी कार बहुत लड़कों की फेवरेट चीज़ होती है, मेरी भी है। सो जैसे कि इंडिया में हम शौक के लिए गाड़ी रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इट्स अ नेसेसिटी। सो आई जस्ट वांट टू टॉक थरोली अबाउट लाइक व्हाई शुड यू ओन अ कार इन ऑस्ट्रेलिया, एंड क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि आपको गाड़ी लेनी ही पड़ती है, वो आपके लिए एक नेसेसिटी क्यों बनती है, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है। It's easily accessible everything in India, and moreover गाड़ी इतनी importance नहीं show करती है अगर life में India में, क्योंकि लोग अब जैसे बॉम्बे और दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज है, वहाँ पर तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इन सब चीज़ों में भी कवर अप कर लेते हैं। These are like hugely used transport systems in India. मेरा भी यही है, इसका भी यही है, ये भी without गाड़ी boy on foot from last 2 years. So I'm gonna share my experience. I own a car from last 1 year. He is without a car from he came in 2017 November. I came in 2018 Jan. So we're gonna share, and we have got one more person. I'm gonna call Vansh for a segment in the video. Vansh is special. साइकिल बॉय देखो, वंश ने साइकिल भी ऑन किया हुआ है यहाँ पे, तो हम साइकिल के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बिकॉज अनलाइक इंडिया ऑस्ट्रेलिया इज अ प्लेस जहाँ पे साइकिल के लिए भी अलग से रोड मेन रोड पे लेन्स होती हैं साइकिल के लिए, कि आप फ्रीली एक साइकिल से भी इधर से उधर कम्यूट कर सकते हो। एंड आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट केम इन, उन्होंने तो जो न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है मेलबर्न में, मेट्रो टनल का प्रोजेक्ट इस टाइम चल रहा है, सो उस प्रोजेक्ट के अंडर एक साइकिल के लिए भी स्पेशल हाईवे बन रहा है जो वेस्टर्न सबर्ब्स को सिटी से कनेक्ट करेगा। दैट्स ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कंसेप्ट है, लाइक कुछ भी हाईवे के साथ नहीं जुड़ा हुआ, अलग से एक फ्लाईओवर जा रहा है पूरे वेस्टर्न सबर्ब के ऊपर से एंड सीधा सिटी को कनेक्ट करेगा। सो लाइक यहाँ पे बहुत लोग साइकिल से यूज करते हैं ना, जिनको कई होते हैं कि फिटनेस वीक है भैया, और स्टूडेंट्स को भी हेल्पफुल हो सकती है चीज, क्योंकि साइकिल बहुत ही चीप आता है, उसके कोई खर्चे नहीं है, एंड यस आपको फिट रखता है। बट वही है, इतना मोटर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाँ मतलब इट एंड ऑफ द डे आपकी चॉइस और आपकी रिक्वायरमेंट मैटर करती है कि वो क्या है। तो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट, ठंड लग रही है, ये एक्चुअली हमारे घर का बैकयार्ड है, एंड आई विल शो यू अराउंड, पीछे पीछे वी आर रिच पीपल, सो वी गॉट जकूजी एट द बैक, एंड एट द बैक देयर इज अ बार, दिस कॉम जिसको हमने पिछले 2 महीने में हाथ भी नहीं लगाया। तो लेट्स डिस्कस कि कार नेसेसरी क्यों बनती है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ योर जॉब इज फार अवे, लाइक हिज जॉब इज 38 किलोमीटर्स फ्रॉम द हाउस, माइन इज 55 किलोमीटर्स, तो ऐसे पॉइंट पे आप कह सकते हो कि हाँ यार कार जरूरी है, बिकॉज मेरी जॉब पे ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से टाइम ट्रैवल टाइम इज 2 आवर्स 50 मिनट्स, ऑलमोस्ट 3 घंटे लगते हैं मॉर्निंग में।
आप एक 6 घंटे की जॉब के लिए 3 घंटे जाओगे 3 घंटे आओगे, यू आर नॉट स्टूपिड कि आप 9 घंटे सिर्फ ट्रैवलिंग में निकाल 12 hours वापस भी जाओगे, 12 घंटे ट्रैवलिंग में निकाल दोगे एक शिफ्ट के लिए. ऐसे पॉइंट पे इट्स बेनिफिशियल कि आपके पास कार हो, बिकॉज कार ओनली टेक्स 1 hour टू रीच द प्लेस. बट उसमें भी प्रोज एंड कॉन्स है. इफ यू गोइंग इन ट्रैफिक आवर्स, फॉर एग्जांपल आफ्टर 7 o'clock इन द मॉर्निंग इट्स ऑफिस आवर्स, स्कूल स्कूल का रश होता है, हर जगह स्पीड लिमिट कम होती है ड्यू टू स्कूल, सो वहाँ पे उसका एक ड्रॉबैक है कि आपको टाइम लगता है ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा. सेकेंडली आप अगर शाम को 4 बजे के बाद निकलते हो 4 to 6 इट्स ट्रैफिक आवर्स, सो तब आप कहते हो यार मैंने गाड़ी क्यों ले ली, इससे अच्छा मैं आराम से ट्रेन में सोता हुआ आ रहा होता, एटलीस्ट मुझे ट्रैफिक में तो ना सस्ता पड़ता. ऑन द सेम हैंड ट्रेन की भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है. प्रोज, ट्रेन की सर्विस नहीं करानी पड़ती, रजिस्ट्रेशन नहीं पे करनी पड़ती एंड ट्रेन चलानी नहीं पड़ती. आपको नींद आ रही है तो आप सो के जा सकते हो, गाड़ी की तरह नहीं है कि नहीं यार बैठ के अब तो चलानी पड़ेगी, मजबूरी है ये तो ड्राइवर भैया ड्राइवर बन गए हो. उसके बाद ट्रेन के कौन से हैं, ट्रेन कभी भी बंद हो सकती है. आप स्टेशन पे खड़े हो अपनी नेक्स्ट ट्रेन के लिए एंड दे कैन अनाउंस कि भाई रेन हो गई है, या ट्रेन के आगे किसी ने छलांग मार दिया, ट्रेन किसी कार में क्रैश हो गई. एक मिनट तेरे को सॉरी इंटरप्ट करने की, भाई ये बिल्कुल सही पॉइंट इसने उठाया. ये हमेशा ना मेरे साथ लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस ही रहा है, इनका ना वेस्ट साइड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना बेकार है ना. सही कहता हूँ, इंडिया में भी ना इससे सही टाइम पे बस या ट्रेन पहुंचा देती होगी टाइम से. मैंने जब भी काम पे जाना होता ना एंड टाइम पे ट्रेन हमेशा लेट होती है, मेरे को फिर फोन मारना पड़ता है. एंड गाइस इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग कि आप स्टेशन पे खड़े हो, आप पहले तो घर से बस पकड़ के स्टेशन पहुंचते हो, देन आप ट्रेन की वेट कर रहे हो और आपको पता लगता है कि ट्रेन नहीं आ रही, दैट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. फिर आपको काम पे फोन करना पड़ता है कि सॉरी आई विल बी लेट बाय 1 hour 2 hours, पैसे का लॉस टाइम का लॉस जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो अलग, एंड जो आपका काम पे इंप्रेशन गलत पड़ता है वो अलग कि यार ये तो रोज ही लेट हो जाता है, इसके बाद तो गाड़ी नहीं है इसको तो निकाल दो, एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है. सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल योर रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल योर चॉइस टू बाय अ कार एंड बेयर इट्स एक्सपेंसेस, बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, टू मेंटेन इट इट्स वेरी एक्सपेंसिव. यस दैट्स लाइक खरीदने को क्या है, अभी आपके पास पैसे हैं आप जाओ जाके कार लेके घर पे खड़ी कर लो, उसके बाद वो कहते हैं ना उसको पालना पड़ता है. यहाँ पे गाड़ी रखना इज जस्ट सिमिलर टू दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन कहता है यू हैव टू पे अप्रोक्सीमेटली $800 ऑफ रजिस्ट्रेशन एवरी ईयर. उसके 3 प्रोसेस हैं, आइदर यू कैन पे इट ऑल टूगेदर और यू कैन पे 6 monthly और 3 months की. एंड में प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही पड़ता है, दैट अराउंड 65 to 70 dollars पर मंथ. वो जो मर्जी पे करो आपको ऑलमोस्ट $1 or $2 के आगे पीछे सेम प्राइस पड़ेगा, तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप 3 की कर रहे हो तो ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, नथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट टू मेक कन्वीनियंट कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो 3 महीने की पे कर करके अपना वो लाइक चला सके, इंस्टॉलमेंट में चला सके हर चीज़. सो दैट्स अ गुड थिंग बाय गवर्नमेंट, पहले नहीं होता था, ये भी साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ. एंड सेकेंड थिंग फ्यूल, फ्यूल इज अ वेरी बिग एक्सपेंस यहाँ पे. It is on the lower side sometimes. It's 1.20, that's $1.20 होता है कभी कभी. 120 की लाइन में चल रहा है, it's all good. 130-135 तक भी ठीक है. But when it crosses 140, it can be a problem. क्योंकि साल का एक ऐसा टाइम आता है जब तेल 160-170 में पहुंचता होता है, एंड देन इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. फिर आप सोचते हो कि यार इससे अच्छा तो माइकी में $10 डलवाओ और पूरा दिन घूमो. इनको वो बताना कि इंडियन करेंसी में कितना हो गया. इंडियन करेंसी में $1.80 ऑलमोस्ट 100, 95 rupees. So, ऊपर से इधर उधर आप आसपास ग्रॉसरी वगैरह लेने जाते हो, कम्यूट करते हो, 2 महीने में 2-3 बार घूमने भी जाते हो, सो इट ऑल एड्स अप. फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं व्हाट टू बाय, व्हाई टू बाय, किस पे आप कौन सी गाड़ी खरीदें कि आपको फ्यूल एफिशिएंट भी हो, आपकी जेब भी ना ज़्यादा कटे और आपका काम भी हो जाए. यहाँ पे गाड़ी आपको $500 से लेके और अनलिमिटेड जितने मर्जी की खरीद लो, चाहे आप रोल्स रॉयस का सबसे महंगा मॉडल ले आओ वो भी मिलेगा, बट
एट द मोमेंट द रिक्वायरमेंट जो मेरे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने जब कार खरीदी थी मैंने 2012 मॉडल होंडा अकॉर्ड खरीदी थी $10,000 की, बट वो एक मैं ये कहूँगा वो एक सिली डिसीजन था मेरा। अगर मैं वो ना लेता तो शायद मेरा कुछ पैसे तक बच जाते जो कि मैंने उस पर बहुत ज्यादा खर्चे पिछले 6 महीने में। ही नोज दैट आई स्पेंड अ हेल लॉट मनी ऑन दैट कार टू जस्ट गेट इट राइट ऑन द ट्रैक कि वो अच्छे से सड़क पे चल सके, सिर्फ इस चीज के लिए। जो एक परफेक्ट प्राइस होता है दैट्स समवेयर बिटवीन 4 grand to 6 grand के बीच में आप एक गाड़ी खरीदो। गाइस जब भी आप एक कार खरीदते हो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखो कि एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के बाद यू शुड हैव अ बजट ऑफ एटलीस्ट $1,000 टू स्पेंड ऑन इट सो दैट आप उसको बिल्कुल परफेक्ट कर सको चलाने के लिए, ताकि आपको नेक्स्ट 1-2 साल के लिए वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ये गलती मैंने करी, मेरे पास जितना पैसा था मैंने सारा उठा के कार पे लगा दिया, उसके बाद उसको ठीक करने में मुझे 6 months लग गया। आई टू स्पेंड $2,000 एडिशनल, 2,000 to 3,000 के आसपास मेरा लग गया था उसको ठीक कराने में। सो टू अवॉइड दिस थिंग आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, इफ यू गोना स्पेंड दिस मच ह्यूज अमाउंट $4,000 to $6,000, लोग मैंने पर्सन कम्स टू ऑस्ट्रेलिया वो ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर चुका होता है, उसके बाद कुछ भी एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट करना इज अ बिग 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 इन्वेस्टमेंट। वो सुनने में छोटी लग रही है 2-3 lakh की गाड़ी लेना, बट जब आप ऑलरेडी 50-60 lakh रुपए इन्वेस्ट कर चुके हो ऑस्ट्रेलिया आने में, उसके बाद वो चीज़ बहुत बड़ी लगती है। सो माई रिकमेंडेशन इज व्हेनेवर यू सी अ कार उसको प्लीज कंपनी से इंस्पेक्ट करवाओ। दे ओनली चार्ज $150 बट दैट कैन सेव अ लॉट जो आपका बाद में लगने वाला, क्या पता वो $150 बाद में आपका 1,500 बन के निकले, इससे अच्छा उसको पहले ही इंस्पेक्ट करा लो। एक लो एक दूसरी चीज है। हाँ, मैं कह रहा था वो उनको वो बताना जब तूने बैटरी चेंज कराई थी, तो मैं आपको सारा कुछ शेयर करूंगा इनके साथ। एक बार एक यहाँ पे लोग कहते हैं कि आपको आपके पास कार की जब आप खरीदते हो कार की रोडवर्थी कराओ। रोडवर्थीनेस इज अ सर्टिफिकेट दैट सर्टिफाइज दैट योर कार इज 80% ओके टू ड्राइव ऑन द रोड। 80% कंडीशन फाइन होनी चाहिए रोड पे चलने के लिए उस गाड़ी की। मैंने रोडवर्थी का सर्टिफिकेट भी कराया था, मैंने कार इंस्पेक्ट नहीं कराई थी जो कि बहुत बड़ी गलती थी। मैं भी तब नया था, मेरे को सिर्फ 5 महीने हुए थे मेलबर्न में, एंड मैंने भी तब इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, पर रोड मेरे को सिर्फ इतना बताया गया था कि रोडवर्थी का सर्टिफिकेट हो सो यू ऑल गुड टू गो, बट दैट वॉज नॉट द केस एट ऑल। बिकॉज उसके बाद अगर मेरा $3,000 कार पे लग रहा है तो देर वॉज समथिंग रॉन्ग इन दैट। First of all, one day, the first problem I faced in my car was, first mistake I made to buy such a big and expensive car. That car in reality cost 46 grand. Ek 46 grand ki car mere 10 grand mein mili because it was 8 years old and 7 to 8 years old and it was driven 150,000 kilometers. So that was the factors that made it so cheap. बट इट वॉज वेल मेंटेन, जो वो देखने में लग रही थी वो बहुत साफ थी, टायर्स उसके न्यू थे, एवरीथिंग वॉज न्यू, टायर्स वर न्यू एंड रोडवर्थीनेस में 72% ब्रेक्स न्यू उन्होंने बताई थी मुझे, बैटरी वॉज फाइन, एवरीथिंग वॉज फाइन अकॉर्डिंग टू देम। सो वॉट हैपन्स वन डे, डेनिस का ब्रदर है वो यूएस गया हुआ था, तो दे मैंने कार ली थी लास्ट ईयर अगस्त में एंड दिस हैपेंड इन जनवरी सॉरी फिफ्थ दिस हैपेंड इन फिफ्थ अराउंड 28th। So his brother was coming from US and I had to go and pick him up. So मैं सुबह अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, कार स्टार्ट नहीं होती, उसकी फ्लाइट आधे घंटे में लैंड होने वाली है, मेरी कार नहीं स्टार्ट हो रही। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ क्या थी। उधर से सुबह मैं काम से आ रहा हूँ, मैं लेट लेवर्टन, यहाँ पर एक लेवर्टन स्टेशन है तो उसके बाद आता है 2 स्टेशन और करके हमारा घर का स्टेशन आता है हॉपर्स क्रॉस। तो उधर क्या हुआ, मैं इसको फोन मार रहा हूँ, भाई मेरे को लेने आ जा, मेरी अगली ट्रेन 1 घंटे बाद है, पता नहीं उधर ट्रैक्स बंद किए होते कुछ। There was something wrong, घर वाले स्टेशन में और उससे 2 स्टेशन बीच में कुछ प्रॉब्लम थी ट्रेन लाइन में, तो इसने मुझे फोन किया कि भाई मुझे लेने आ जा एंड कंटिन्यू एंड कहता चल भाई मैं आता हूँ। थोड़ी देर में फोन आ रहा है, भाई मेरी तो गाड़ी ही नहीं चल रही। मैं क्या बोल रही यार, भाई मेरी गाड़ी नहीं चल रही है। इससे बेकार बहाना ना किसी और को जाके मारी। मैं घर आया थोड़ी और देर बाद, 1.5 घंटे बाद फिर मैं घर पहुंचा, फिर मैं देख रहा सच्ची जनाब गाड़ी को लगाए हुए फोन, उसको मैकेनिक को फोन, भैया वो उनसे बात कर रहा है इंग्लिश में कि गाड़ी नहीं चल रही क्या क्या करूं, बोनट खोल के बैठ गया, वीडियो यूट्यूब पे शुरू, ये करो वो करो। ट्रेंड में डिसीजन निकाला, हमारी गाड़ी खड़ी थी दूसरी तो उसको लेके गए हम। And but guys, you buy a car 6 months back and then you find out like it's not working. That's like a very big harassment to you. Like you just spend 10 grand on a car
in your student life when you're just 18 years old and you find out it's not fucking working. So the only thing is ki wo cheez mujhe bahut trigger kari thi ki yaar maine abhi bhi paise kharche hain and ye chal nahi rahi aur ye maine chitta hathi ghar pe khada kar diya. ये हाथी है घर पे खड़ा रहेगा एंड शोपीस है. सो आई टेल यू द रियल स्टोरी नाउ. तो मैंने बोरट बोला एज आई एम अ कार एंथुसियास्ट, तो मुझे बहुत नॉलेज है कार्स के बारे में कि कपले भी कहाँ होते हैं और सब कुछ पता है ऑलमोस्ट. अब तो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया आफ्टर स्पेंडिंग $3,000 ऑन अ कार टू जस्ट गेट इट राइट. व्हाट हैपेंड वाज जहाँ पे बैटरी होती है ना, बैटरी का जितना साइज होता है उतनी उसकी ट्रे होती है जिसमें बैटरी पड़ी होती है. जितनी बैटरी की ट्रे थी उससे आधी बैटरी पड़ी हुई है उसके अंदर. आप ये लगा लो कि इंडिया में आप फॉर्च्यूनर ओन कर रहे हो और उसमें क्रेटा की बैटरी रख दी किसी ने. तो कुछ ऐसा ही हुआ था कार के साथ कि अकॉर्ड में बहुत छोटे साइज की बैटरी लगी थी. जस्ट टू पास द रोड वो दी सर्टिफिकेट जो उस बंदे ने मुझे गाड़ी बेस्ट बनवा के दिया था कि उसने चालू काम किया यहाँ पे. ऑजी लैंग्वेज में उसको डॉजी वर्क कहते हैं कि उसने एक डॉजी काम करके दिया कि उसने एक सस्ती बैटरी रखवा दी बीच में कि सिर्फ रोडवर्थी का सर्टिफिकेट पास हो गए और मैं गाड़ी बेच दूँ. उसके बाद जिसको बेची है वो जाने, भगवान जाने कि उसने गाड़ी कैसे चलानी है. और आप मानोगे नहीं, दिसंबर में हम सबकी छुट्टियाँ थी और उसी गाड़ी पे हमने पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रिप लगाए हैं. We used to go on a trip almost every day. Christmas का वाला week और like last 2 weeks of December हम almost every day trip पे गए हैं उसी कार पे. And go, like I'm thankful to God कि रास्ते में कुछ नहीं हुआ, हाथी ने कुछ नहीं किया. So first of all मैंने वहाँ पे battery change कराई. वहाँ मेरे $200 लग गए like without no reason. The mechanic came and he said there's dodgy work done on the car. The battery in the car is all fine. But it's not able to start the car because it's very small and the car engine is very big. First thing, thode din baad what happens, I'm going on the freeway and I'm going on 100 kilometers and suddenly meri car ka dashboard aise aise vibrate karna shuru ho gaya. You're driving a 46 grand car and uska dashboard aise aise hilne lag jaye. Main kaun sa bhai Maruti chala raha tha jo khadak jane chahiye. I was driving Honda Accord. So aisa nahi hona chahiye tha. I'll tell you the story in short. All together, मैंने जब वो कार मैकेनिक के पास जाके खड़ी करी, he made like out quotation of around $2,200 कि इसमें ये ठीक होने वाला है. And guys, to be honest, there was no mechanical fault, there was no technical fault. It was all usual wear and tear of the car. जो general wear and tear होता ना गाड़ी में, गाड़ी चलने में, सिर्फ वो था. जैसे कि आई गॉट द टायर्स रिप्लेस्ड, आई गॉट ऑल फोर ब्रेक्स रिप्लेस्ड, आई गॉट द एक बुश होता है कार में रोटेशन आर्म बुश, वो चेंज हुआ. जिसको टेक्निकल लैंग्वेज पता है गूगल कर लो यार. एंड लाइक ऑल द नॉर्मल वेयर एंड टियर थिंग्स लाइक टायर्स वर लेजिट न्यू बट वो स्टिल चेंज हुए. रीजन बीइंग जो गाड़ी में टायर लगता है दैट्स $200 मीन्स 10,000 का एक टायर है. बट जो गाड़ी में टायर लगे हुए थे वो $80 वाले थे, मतलब 4,000 वाला टायर लगा हुआ था. तो वो क्या होता था, इतनी भारी गाड़ी है जब वो चलती थी ब्रेकिंग होती थी हीट जनरेट होती थी उससे टायर डी शेप हो गया. मीनिंग व्हेन द कार यूज्ड टू रन यूज्ड टू वॉबल अ लॉट. टायर आउट ऑफ शेप हो गया तो हाई स्पीड पे जनरली कार वाइब्रेट करेगी. दैट वॉज द रीजन. सो गाइस, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आई रिकमेंड कि जिस कंपनी की भी गाड़ी ले रहे हो उसको शोरूम में जाके प्लीज उसको चेक कराओ कि भाई मैंने कार ये दैट्स माय कार, आई एम गोना पे $150, प्लीज डू अ फुल इंस्पेक्शन ऑन द कार, व्हाट नीड्स टू बी डन एंड व्हाट्स एंड इफ इट्स परफेक्ट प्लीज डू टेल मी. लाइक उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी बहुत जरूरी है. दैट वुड सेव यू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स. सेकंड थिंग, हमेशा कार खरीदो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी देख के, क्योंकि फ्यूल बहुत कॉस्टली है एंड गाड़ी ऐसी खरीदो जो फ्यूल एफिशिएंट हो. मेरी गाड़ी सिर्फ 10 की एवरेज देती है, चाहे मैं जो सा मर्जी ग्रेड का फ्यूल लगाऊं, 98 ऑक्टेन, 94 ऑक्टेन, 95 ऑक्टेन, 91 ऑक्टेन, 87 ऑक्टेन, जो सा मर्जी डलवाओ. पेट्रोल डीजल नहीं, इंडिया में भी आता ऑक्टेन. इंडिया में भारत पेट्रोलियम पे जो एक्स्ट्रा पावर पेट्रोल होता है ना वो 97 ऑक्टेन होता है. तो जो भी है यहाँ ज्यादा महंगा नहीं, 102 रुपए लीटर है. वो उसमें डालता ना स्पोर्ट्स कार में, वो जैसे अपनी सुपर बाइक्स में और इन सब चीजों में डालता है. गाइस, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, कई लोग बोर हो जाएंगे यहाँ पे, मैंने साला क्या बातें करा ऑक्टेन ऑक्टेन की. जस्ट लीव दैट असाइड, दैट्स फॉर लाइक प्रीमियम रेंज कार्स जो स्पोर्ट्स कार्स वगैरह होती है. हाथी में तो 90 डाल सकते हैं, उनको बोर नहीं करना. चलो, उनको हमने बताना है कार कैसी लें और क्यों लें.
So guys, first of all, while buying the car, please concentrate on Japanese brands only, because अगर आप Japanese brand से बाहर जाओगे, be ready to spend a lot on your car for servicing, parts and everything. Because all the German and Korean brands, they come with a hefty price of servicing and parts and things. Like Volkswagen, Skoda, you go for say Hyundai, you go for BMW. So student life में रखने का वैसे भी तुक नहीं बनता. बाकी शौक का कोई मूल नहीं है. लेने को ले सकते हो. लैम्बो भी ले लो. हाफ मिलियन. आप रोड पे घूम रहे हो. गाड़ी नहीं सो रहे हो. हाफ मिलियन वन मिलियन भी आएगी. So like just concentrate on Japanese brands such as Kia, Mazda. You can go for Kia Korean but Kia अच्छा brand है. Kia is not that expensive and all. Honda, Toyota are the two main brands. Honda, Toyota are the two main brands to concentrate while buying a car, because वही एक दो ऐसे brand है जो बिल्कुल maintenance free है. विश्व भर में आते हैं. भारत में भी आते हैं. Maintenance free है. आपको mental tension नहीं देंगे. Financial tension नहीं देंगे. ये एक्सपीरियंस है. ये मेरे फ्रेंड्स के पास, मेरा एक फ्रेंड है उसका पसार्ट है, बहुत परेशान है. मेरे घर में दो होंडा है, एक सिविक है, एक अकॉर्ड है. वी बोथ आर सैटिस्फाइड विद देम. वी बोथ आर हैप्पी. मुझे मैंने अपने कार में पैसे जरूर लगाए हैं, बट मुझे एक चीज की खुशी है कि देयर वाज नो मैकेनिकल फॉल्ट एंड देयर वाज नो टेक्निकल फॉल्ट. इट वाज ऑल नॉर्मल वेयर एंड टियर व्हिच कुड हैव बीन अवॉइडेड व्हेन आई गॉट द कार. सो टेक्निकली आई चोज अ कार which is all good in the company part and parts and the servicing, but it's only bad in the fuel efficiency part. So just to make that better, you can go for a Honda Civic or Honda City. They can give you good fuel efficiency and it's all good on your pocket. So guys, these are some things you need to ponder on. And secondly, एक खर्चा हो गया आपका सर्विसिंग का. सर्विसिंग बाहर से बहुत सस्ती होती है, $80 से लेके $150 के बीच में कोई भी सिंथेटिक ऑयल सर्विस या नॉर्मल ऑयल चेंज हो जाता है. सेकेंड थिंग, रजिस्ट्रेशन यू हैव टू पे $800 पर ईयर, जो सी मर्जी गाड़ी हो. वो एक खर्चा आपको देख के चलना पड़ेगा कि इज इट वर्थ इट टू बाय अ कार टू डू दैट जॉब और इट्स वर्थ इट टू स्पेंड मोर टाइम इन द ट्रेन. इट्स योर डिसीजन. फॉर हिम, ही डिसाइड्स टू स्पेंड मोर टाइम इन द ट्रेन बिकॉज ही थिंक्स दैट्स मोर वर्थ इट देन गोइंग इन अ कार एंड increasing your expenditure. For me, I think it's better to go in a car rather than staying in a train and do other work when I come back home. So it's all about priorities at the end of the day. So third kharcha, fuel ka. Wo aapko maine already explain kar diya ki aap gaadi ka engine please dekh ke le ki wo kitni fuel efficient hai and what's the case. Anything else left on the car thing? Servicing, registration, ha, insurance. इंटरनेशनल लाइसेंस पे जिन स्टूडेंट्स ने गाड़ी चलानी है उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि इंश्योरेंस बहुत कॉस्टली है. अगर एक नॉर्मल यहाँ विक्टोरियन लाइसेंस होल्डर अबव द एज ऑफ 21 यहाँ पे अगर गाड़ी चला रहा है, उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पड़ती है $100 के आसपास रफली. वो भी बहुत महंगी वाली गाड़ियों की, 60 to 100 के बीच में वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द कार प्राइस. पर इंटरनेशनल स्टूडेंट को कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पड़ती है $200 to $250 के बीच में, जो कि आई एम टॉकिंग अबाउट 10,000 इंडियन रुपीज से 12,500 इंडियन रुपीज के बीच में इंश्योरेंस पड़ेगी, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है. 1,20,000 हो गया अप्रॉक्स साल का, जो कि बहुत बेवकूफ है. हमको एक गाड़ी की किस्त तो भर नहीं रहे हैं तो इतनी महंगी इंश्योरेंस लेंगे. सो इसका सोल्यूशन इज ओनली, एक तो अपनी गाड़ी तमीज से चलानी चाहिए. ये बोल भी कौन रहा है. दूसरी चीज ये है कि आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए ऑप्ट कर सकते हो. जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस, इंडियन लाइसेंस के साथ या एनी एशियन स्टूडेंट, उसका सोल्यूशन सिर्फ इतना सा ही है, आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑप्ट करो. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस $80 के आसपास, 70 to 80 के बीच में रफली अप्रॉक्स हर गाड़ी की मिल जाती है. किसी भी कंपनी, अलियांस की मिल जाती है, AAMI की मिल जाती है. दीज आर गुड कंपनीज. इससे क्या होगा, आपकी अपनी टूके की चलो वो आप सेंड कर लोगे एक बार, चल यार गाड़ी से टूट गई, ठीक करा लोगे, कुछ कर लोगे. पर अगर आप मानो आप थर्ड पार्टी भी नहीं कराते और सामने वाले का खर्चा भी आपको उठाना पड़े, दैट्स गोना बी अ बिग प्रॉब्लम. तो एटलीस्ट अपने आप को नहीं तो सामने जिसकी ठोकोगे उसको तो बचा लो. तो इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज नेसेसिटी व्हेन यू बाय अ कार. वो इतनी महंगी नहीं है, ओनली $80. सो दीज आर द फोर मेन खर्चा जो होता है, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, फ्यूल एंड सर्विस. वेस्ट कार तभी खरीदो प्लीज अगर आपको बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है. ऐसे घर वालों को जिद करने की जरूरत नहीं है कि यार हमें गाड़ी चाहिए ही चाहिए.
बाकी जो आए ऐश करने उनको रिवर होगा, जिन्होंने ऐश करनी है वो जोन सी मर्जी गाड़ी लो घूमो फिरो। दो तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं ना, एक आते हैं जिन्होंने जो कंसंट्रेट करने आए हैं सिर्फ पढ़ाई पे और ऐश करने, तो वो जोन सी मर्जी गाड़ी लें जिनके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, नथिंग टू वरी। दूसरे तरीके के स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने पता है हमने 50% पढ़ाई करनी है, 50% काम भी करना है, हमें टाइम पढ़ने के लिए भी सेव करना है, हमें टाइम अपने घर हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए भी सेव करना है, वी नीड टू मैनेज एवरीथिंग इन लाइफ। उनके लिए कार एक बहुत अच्छी चीज़ है और उसको अच्छे से यूज करना है। एंड यार हम इतनी मेहनत करते हैं सारे स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी हैं, बीच में सबको एक ना एक ब्रेक तो चाहिए होता है, तो तब आपको अपनी गाड़ी दिख रही होती है कि मैं कार को पकड़ूँ और कहीं घूमने जाऊँ। ऑस्ट्रेलिया सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है, क्या बताएं हम तो। इट्स एन अमेजिंग प्लेस। अब जहाँ मर्जी जाओ, देयर सो मेनी प्लेसेस। अभी हम पीछे माउंट डोनापोंग जाके आए, इट वाज अमेजिंग। द ड्राइव वाज इतनी सेक्सी ड्राइव थी ना। एंड होपफुली मैं सैटरडे को शायद माउंट डोगो जा रहा हूँ, मैं अकेला ही, मेरा अपने कॉलेज वाले फ्रेंड्स के साथ। सो प्रोबब्ली विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग बाइंग अ कार, do give your comments down below and I'll surely help you with them. कि आपको किस टाइप की गाड़ी चाहिए आप बता सकते हो, आपका क्या बजट है, I can recommend anything, because यार 2 साल हो गए हैं, इतने धक्के खा लिए गाड़ी को ठीक कराने में, कौन सी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो I learned a lot in that. So I can just share my experience with you. And if you have anything to correct in the video, share with me, please do. So bye. बहुत अच्छे अच्छे टीचर ही लेक्चर देते हैं बच्चों को, बच्चों ऐसा ही करना है यार, बात वो नहीं है। आई लाइक द वे इट्स लाइक इट्स बीन सो लॉन्ग कि वो गाड़ी की, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, सिर्फ 6 महीने से यही चल रहा है यार। अभी अभी मैंने रिसेंटली 1 month पहले ही फ्रंट ब्रेक चेंज कराई है यार, फिर से सर्विस आने वाली है, तो यू नो इट इट्स इट्स एसेंशियल पार्ट ऑफ माय लाइफ, एटलीस्ट I had to drive so long just to do my job, and I love my job, so that's why it's important for me. So it's an essential part of life. क्योंकि उसी के साथ, and guys, one more very important thing. If you're buying a car, do keep it in mind कि ये सिर्फ इस job के लिए नहीं है. You need, you get exposure. You buy a car, you get exposure. Uber. क्योंकि यहाँ पे Uber तो चलो कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो just your choice. Uber के लिए गाड़ियाँ अलग तरीके की खरीदी जाती हैं, उसके बारे में Uber Eats कर सकते हैं. बट अगर ड्राइविंग वाली Uber करनी है उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, उसके लिए अलग गाड़ियाँ आती है, नहीं चाहिए तो वीडियो हम आएंगे उनके लिए, वीडियो और कंटेंट नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो इट्स जस्ट कि आप ये भी एक्सपीरियंस करोगे, कई बार आप जॉब लेने जाते हो देर से आपके पास गाड़ी है, इफ यू हैव अ कार जस्ट गेट सेलेक्टेड डायरेक्ट वे, बिकॉज दे थिंक कि जिसके पास गाड़ी है वो घंटे में यहाँ पहुँचेगा। मान लो आपकी किसी दिन शिफ्ट नहीं है, कोई और आपका कोलीग शिफ्ट ड्रॉप कर देता है, दे गिव यू अ कॉल, कैन यू प्लीज कम इन वन आवर, वो आपको प्रेफर करते हैं कि हाँ भाई इस बंदे के पास गाड़ी है। सो अब फॉर एग्जाम्पल मी एंड डेनिस वर्किंग इन वन प्लेस, ही गोज ऑन ट्रेन, ट्रेन पे लगने 2 घंटे, शिफ्ट 5 बजे फोन आ रहा है, 6 बजे शिफ्ट शुरू होगी, वो कहेंगे इसको नहीं आर्यन को बुलाओ, घंटे में पहुंच जाएगा। तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। देखो आर्यन कितना गंदा है, डेनिस की शिफ्ट मरवा देगा, ये नहीं कि डेनिस को छोड़ रहा हूं मैं। सी क्लेवरनेस, आई गॉट इट दिस जॉब ब्रो, जॉब। सो एंड अगर आपको साइकिल का एक्सपीरियंस शेयर करना है तो वी कैन कॉल वंस, या I'll call Munch, don't worry. Cheers, guys. So guys, Munch is here. हमने कार का public transport जाने का experience तो आपसे share कर लिया है. So now we're gonna share experience की एक cycle own करने का क्या experience होता है हमें. Because when he came तब थोड़ा jobs का recession आया हुआ था. So we recommended him to get a cycle, do Uber Eats on cycle. Because यहाँ पे बहुत सारे students आके Uber Eats cycle पे करते हैं. तो हम मिस्टर वंश अरोड़ा से पूछेंगे उनका साइकिल में क्या एक्सपीरियंस रहा, और इनका साइकिल अब इनके पास है नहीं है, इन्होंने $200 में साइकिल खरीदा था यहाँ के सबसे महंगे वाला केमार्ट जाके, एंड सब कुछ लगवाया उस पे, लाइट्स हेलमेट खरीदा बड़े शौक से, एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो वी गोना टेल यू दैट वो साइकिल अब है कहाँ पे। सो वंश प्लीज एक्सपीरियंस शेयर किया जाए साइकिल का, कि आपने उसकी ऊबर एज करी, उसको ट्रैवल करने में क्या प्रॉब्लम आई, या फिर like what's the pros and cons of having a cycle? Yeah, देखो अगर तुमने job लेनी है तो Uber Eats is not the best option. और cycle पे तो बिल्कुल ही best option नहीं है. कौन बोला? मुझसे ना हो पाएगा? क्योंकि अगर तुमने देखो 10 किलोमीटर करना तो go
आपको फिर टाइम स्पेंड भी होता है कि यार टाइम इतने में पहुंचानी है चीज, नहीं तो फिर कस्टमर आपकी रेटिंग नहीं सही देता, कस्टमर आपकी रेटिंग नहीं सही देगा यार, बहुत सारे तरीके से। सो Uber Eats on cycle is not recommended at all. जिनका गाड़ी पे चलान नहीं आया पर साइकिल पे और पैदल चलते हुए चलान आया हुआ है। ये हमारे घर की एक ऐसी प्राणी है जो पैदल चलते हुए चलान करा के आए थे, वो भी $220 का, और साइकिल पे इसका कभी हुआ नहीं है, बट साइकिल पे भी स्पीड लिमिट एंड ऑल के चलान है। वी गॉट वन फ्रेंड 10 के जोन में 15 की स्पीड पे चला रहा था और उसको $500 की नियत का फाइन, क्या बजट है, किस टाइप की आप जॉब करते हो, सो एवरीथिंग कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड एवरी एस्पेक्ट इन लाइफ, यू शुड गो फॉर अ कार और यू शुड ऑप्ट फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इट्स ऑल ऑन योर ओन डिसीजन। एंड गाइस प्लीज डॉजी लोगों के उसमें मत फंसो, हमेशा कार खरीदो तो उसको इंस्पेक्ट करके खरीदो। वंस थका हुआ है बहुत ज्यादा, जॉब बहुत करता है, हफ्ते में 2 दिन जॉब करता है।